शिवहर जिला वासियों को नमस्कार। हम सबको पता है कोविड की दूसरी लहर पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस बार, एंड बिहार और शिवहर जिला भी इसमें नहीं बचा है। इसको हम हारने के लिए और इस पर इसके आगे हम जीतने के लिए और टैकल करने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठना है, इसलिए ये अपील है सबके लिए। ये इतना खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका जो लक्षण है बहुत वाइड रेंज होता है, जो हल्का सा बीमारी, हल्का सा सर्दी खांसी से मृत्यु तक ले जाता है। किसको कितना प्रभावित होता है ये हम कह नहीं सकते हैं उतनी आसान से। मेडिकल एक्सपर्ट है, जो प्रशासन के एक्सपर्ट्स भी है, जो इसको टैकल करने में बहुत बहुत डिफिकल्टी फेस करता है। इसलिए हम इसको आगे बढ़ने के लिए हम कुछ चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ फैक्ट कहना चाहते हैं। वैक्सीन का हेसिटेंसी, मतलब वैक्सीन का संकोच, वैक्सीन टीका लेने के एक संकोच हो रहा है, ये एक ट्रूथ है। इसको हम टैकल करना है। इसको कैसे टैकल कर दें, इसको कुछ अगर कोई भ्रम है उसको दूर करने के लिए भी आपके एक प्रशासन की तरफ एक निर्णय लिया है कि लोगों को थोड़ा सा अवगत करने के लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाए। कुछ फैक्ट हम बताना का जरूरी है। कोरोना का लहर है, ये आता है और वो कोई बहुत सारे जान भी ले जाता है। इसको हम बचाने के लिए हम हमारा जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, इसको इम्यून रहना चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब जो बाहर से जो वायरस आता है इसको लड़ाने के लिए एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के अंदर है वो तैयार रहना है। जैसे पोलियो के संबंध में आपको पता होगा, पोलियो 1994 में स्टार्ट हुआ है वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में, और लगभग 20 साल हुआ हमारा पोलियो से पूरा भारत से एराडिकेट करने के लिए। लगभग मार्च 2014 तक WHO इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया है। सो 20 साल लगा कि एक ही बीमारी को हमको दूर करने के लिए। कोरोना ये भी एक सिमिलर इस तरह का बीमारी है, बट लेकिन इसके संबंध में हमारे पास अभी एक फाइनल कोई एक ट्रीटमेंट की तरह नहीं है, बट लेकिन इसको वैक्सीन ले अभी उपलब्ध है। इसको वैक्सीन हम लेना बहुत ज़रूरी है। या हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको सुने होंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब 70% कोई भी आबादी है पॉपुलेशन से, अगर 70% लोगों को अगर एंटीबॉडीज उनके शरीर में हो रहता है तो लड़ाने के लिए शक्ति अगर रहता है, तो ये वायरस एक से दूसरे को फैलने का संभवता नहीं, मतलब वो अपने आप से मर जाता। तो ये हर्ड इम्यूनिटी अगर आ जाता है तो इसका मतलब है हम भी कोविड फ्री बन जाएगा। अभी थोड़ा फैक्ट हम बताना ज़रूरी है कि 70% का मतलब पूरे हमारे भारत के 91 करोड़ लोग इसका टीका लेना ज़रूरी है। बिहार का लगभग 9 करोड़ लोग टीका लेना है। शिवहर जिला का हमारा पॉपुलेशन को आबादी के अगेंस्ट हम लगभग 5,20,000 लोग टीका लेना है। अभी तो मतलब लगभग 1,00,000 परिवार लोग लेना है। इसमें इतने लोग अगर लेने का इतना समय लेना है, जितने कम समय में लेना है ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक केवल 55,000 लोग, लगभग 55,000 लोग कहीं अभी तक टीका ले चुका है। आपको पता है कि 45 और 45 साल के ऊपर सभी पब्लिक लोगों को, इसके अतिरिक्त हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सब कर्मियों भी ले चुका है। तो ये सब मोटा मोटी इतना ही आ रहा है। इसके और 5,20,000 लोगों को टीका लेने के लिए इतनी जल्दी लेना, उतनी जल्दी हम कोरोना से हम बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन हेसिटेंसी, टीका का संकोच, इसको हम टैकल करने के लिए हम एक ठोस कदम उठना ज़रूरी है। कोरोना के संबंध में, कोरोना वैक्सीन लेने के संबंध में भी एक इंफॉर्मेशन गैप रहता है, और कोरोना के संबंध में भी कोरोना कैसे हमको अफेक्ट करता है, कोरोना वायरस के संबंध में एक इंफॉर्मेशन गैप है। ये इंफॉर्मेशन गैप के कारण हमको इफेक्टिवली सरकार की तरफ जो ट्रीटमेंट देता है, पब्लिक को ट्रीटमेंट देने के लिए, इच्छुक की ट्रीटमेंट देने के लिए कदम उठता है, वो टू द लास्ट मैन, आम आदमी तक पहुँच नहीं रहा है। तो इसके समय में एक इन्फॉर्मेशन गैप को हम दूर करने के लिए हमारा अपील है, हम जो भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो स्वैच्छिक रूप में और जो कुछ जनसेवक है, स्वयंसेवक है, इन लोग तो आगे आए, रजिस्टर कर दें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में,
जो 2 घंटे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा कि इस कोरोना के संबंध में और इसको प्रचार करने के लिए भी और अपनी जानकारी लेने के लिए भी इसको आपको बहुत काम दिया जाएगा। आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारे चीज़ आपको सूचना दिया जाएगा, जैसे इस कोविड का इतिहास और इस कोविड का कुछ फैक्ट, कितने फैक्ट्स तथ्यों और इसको हमारे शरीर को कैसे इसको अफेक्ट करता है, का हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है, इसके संबंध में आपको जानकारी दिया जाएगा। और इसका सिम्टम्स, लक्षण, हर तरह का, बहुत सारे तरह का सिम्टम्स है, किस दिन पे किस तरह का सिम्टम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तीसरा दिन किस तरह का सिम्टम, 5वां 8वां 9वां दिन को किस तरह का सिम्टम्स है, इसको कैसे टैकल कर दें, कैसे हमारे क्या मेडिकल सिस्टम्स के पास की क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रिवेंशन, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके संबंध में भी आपको सेफ प्रैक्टिसेस का संबंध में सूचना दिया जाएगा। कम्युनिटी को इसको कैसे इन्वॉल्व कर दे, कम्युनिटी निगरानी, सामुदायिक निगरानी, कम्युनिटी सर्वेलेंस, इस पर आपको सूचना दिया जाएगा। और सपोर्टिव हेल्थ केयर सिस्टम, जो टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ सपोर्टिव हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कैसे इसको सप्लीमेंट करता है इसके संबंध में भी आपको सूचना दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भ्रम चीज़ है, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, कुछ उसको भ्रम को दूर करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। और स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव व्यक्ति, अगर किसी को पॉजिटिव पाया जाता है, इसको उसको वो इंसान की तरह उसको ट्रीट करना है, उसको अनावश्यक उनको परेशान करना नहीं करना।